Good morning, children. Welcome to the TSN school in online classes. Children, after 1 week gap, we start our study again. Today, I will start subject Hindi for class nursery. And first, I read Vyanjan in Hindi subject. बच्चों, आज मैं class nursery के लिए subject Hindi start कर रहे हैं. है ना बच्चों, 1 week की गैप के बाद में आपकी स्टडी फिर से स्टार्ट करते हैं हम. इसमें सबसे पहले हम व्यंजन रीड करेंगे. ओके, आपकी जो हिंदी की बुक है, हिंदी टेक्स्ट बुक है, इसमें व्यंजन दिए हैं. देखना आप अपनी बुक में. व्यंजन वो होते हैं बच्चों जो क से लेके ज्ञ ज्ञानी तक होते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं. ठीक है, ये हम पहले भी रीड कर चुके हैं, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. ओके, क से लेके ज्ञ ज्ञानी तक व्यंजन होते हैं. इससे पहले हमने स्वर का भी रीडिंग किया था, है ना. स्वर कौन से होते हैं बच्चों? अ से अनार से लेके अह खाली तक, है ना, अ से लेके अह खाली तक वो स्वर कहलाते हैं. ठीक है, तो इस वीक के पहले हमने स्वर कंप्लीट किए थे और अब हम व्यंजन स्टार्ट करते हैं. लेट स्टार्ट. फर्स्ट लेटर है आपका व्यंजन में, सबसे पहला अक्षर आता है क. क, क से कमल. ये देखिए बच्चों, एक फ्लावर होता है कमल, है ना, क से कमल. इसकी पोयम रीड करते हैं. क से कमल कीचड़ में खिलता, लाल सफ़ेद बहुत रंगों में होता. है ना बच्चों, ये कमल का फूल होता है बच्चों, जो कि दलदल कीचड़, जो हल्का पानी होता है, छिछला पानी, उसके अंदर कमल के फूल खिलते हैं, है ना, उसमें उगते हैं. और वो लाल सफ़ेद और भी कई कलर्स के होते हैं, पिंक भी होते हैं, है ना. तो कमल, क से कमल कहलाता है ना, इसे बोलेंगे क. ये सबसे पहला व्यंजन होता है. नेक्स्ट बच्चों, क के बाद आता है ख. ख, ख से खरगोश, रैबिट. ख से खरगोश, जानते हो ना बच्चों, खरगोश देखा है आपने. चलिए खरगोश के बारे में पढ़ते हैं. ख से खरगोश दौड़ा जाता, पकड़ में किसी के ना यह आता. है ना, खरगोश बहुत तेज़ दौड़ता है बच्चों, बहुत तेज़ रन करता है और किसी की भी पकड़ में नहीं आता, है ना, क्योंकि ये छोटा सा एनिमल होता है बच्चों, लेकिन इतना फास्ट रन करता है, इतना फास्ट दौड़ता है कि आप इसे पकड़ नहीं सकते हैं, है ना. तो ख से क्या हो गया बच्चों? खरगोश. ठीक है, चलिए नेक्स्ट, टर्न योर पेज. नेक्स्ट पेज में हमारा अगला व्यंजन है बच्चों, ग. ग से गमला. देखिए अपनी नोटबुक में, सॉरी बुक में, ग. ग से गमला, है ना. गमला आपने अपने घर में भी देखे होंगे बच्चों, जिसमें फ्लावर्स वगैरह लगते हैं, कई शो प्लांट वगैरह लगाए जाते हैं ना, इसे गमला कहते हैं ना. ग से गमला, ये लिखा है गमला, गमला. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप रीडिंग करना सीखेंगे जब. चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं. ग से गमला घर में लाओ, उसमें खूब फूल खिलाओ, सॉरी उसमें खूब फूल लगाओ, है ना. गमला बच्चों घर पे लगाए जाते हैं, उसमें फूल पौधे वगैरह छोटे छोटे प्लांट्स लगते हैं, तो इसे कहते हैं ग से गमला. फाइन, नेक्स्ट. नेक्स्ट बच्चों, अगला व्यंजन है हमारा घ. घ से घर. घ से घर, जिसे हम होम या हाउस भी बोलते हैं इंग्लिश में. ठीक है बच्चों, घ, और लिखते कैसे देखना. अब बच्चों, ये जो व्यंजन जो आज मैं करा रही हूँ, इसको लिखते कैसे हैं, ये मैं आपको आपकी जो राइटिंग बुक है हिंदी की, उसमें सिखाऊंगी, है ना, कि हम इसे लिखते कैसे हैं. अभी आप रीडिंग करना सीख रहे हैं, इनके बारे में थोड़ा सा समझ रहे हैं, और लिखना आप राइटिंग बुक में सीखेंगे. ठीक है, तो घ, घ से घर, ये लिखा है घर, है ना. पढ़ते हैं हम. घ से घर है कितना प्यारा, जिसमें रहता परिवार सारा. घर बहुत सुंदर होता है बच्चों, है ना, आप भी जानते हैं, आप घर में रहते हैं तो आपका घर कितना ब्यूटीफुल होगा, है ना. तो घर बहुत प्यारा होता है, बहुत अच्छा होता है, और उसमें कौन रहता है? हमारा पूरा परिवार, ये हमारी पूरी फैमिली, है ना. पूरी फैमिली हमारी कहाँ रहती है? घर में रहती है ना. आप लोग भी घर में रहते हो आपकी पूरी फैमिली के साथ, है ना, पूरे परिवार के साथ. चलिए नेक्स्ट. नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट पेज आ रहा है हमारा अणखाली, है ना. नेक्स्ट है हमारा अणखाली. बच्चों देखो, इस तरह से ड लिखा होता है, और उसके साइड में बच्चों इस साइड एक बिंदु लगा होता है, एक डॉट होता है, और ये बनता है अणखाली, मीन्स कुछ भी नहीं, है ना. तो ये अणख व्यंजन रहता खाली, जैसे बिन भोजन के थाली. समझे बच्चों, ये अणख खाली बच्चों, इसको बोलते खाली, मतलब ये व्यंजन खाली होता है, मतलब इसमें कोई व्यंजन नहीं आता है. ओके, और जैसे कि
आप खाना खाते हैं बच्चों, तो आपकी थाली में या आपकी प्लेट्स में मम्मा खाना लगाती है, तो आप देखते हो ना कि आपकी प्लेट में खाना लग गया है, फिर आप खाना खाते हो, है ना। लेकिन अणेखाली कैसा होता है, जैसे कि प्लेट्स में कोई भी भोजन नहीं है, कोई भी खाना नहीं है, है ना। तो एक खाली प्लेट से होती है ना बच्चों, है ना, खाली थाली या खाली प्लेट से कहते हैं, तो उसको कहते हैं बिन भोजन के थाली, ठीक है। तो अणे व्यंजन रहता खाली, ये ब्लैंक होता है, जैसे बिन भोजन के थाली, फाइन। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट भी बच्चों इसके अभ्यास दिया आपको, जो अभी आपने ये लेटर्स जो व्यंजन सीखे उसकी अभ्यास माला दी है, इसमें दिया है चित्र पहचान कर सही अक्षर पर गोला बनाओ, ठीक है। चित्र पहचान कर बच्चों, ये देखिए दोनों साइड आपको पिक्चर्स दिए हैं, है ना, इनको देखो अच्छे से, इनको पहचानो, और इनका जो फर्स्ट लेटर, इनके नेम का जो फर्स्ट लेटर होता है उस पर आपको सर्कल करना है, गोला बनाना है, फाइन। देखिए कैसे करेंगे, पहला पिक्चर है बच्चों, ये वैसे तो हाथी बोलते हैं, एलिफेंट का पिक्चर हाथी है, बट ये वाला एलिफेंट होता है ऐरावत बोलेंगे इसको, ये भगवान इंद्र का हाथी होता है बच्चों, तो इसको बोलेंगे हम ऐरावत। और ऐरावत कैसे लिखते हैं बच्चों, आई से ऐनक, है ना, आई से ऐनक, उसका फर्स्ट लेटर जो होता है, तो इस पर हम सर्कल करेंगे। ऐरावत जो बोलते हैं बच्चों, तो उसका पहला अक्षर क्या बोला हमने, आई, है ना, तो उसका पहला अक्षर, उसके नेम का पहला अक्षर हो गया आई, इस पर हमने सर्कल कर दिया, इस तरह से देख के करना, है ना। और ये सर्किल आप खुद से बनाएंगे, है ना, आप खुद करना ये सर्किल बच्चों, है ना। चलिए नेक्स्ट, समझते जाएंगे, नेक्स्ट पिक्चर देखिए बच्चों, पिक्चर देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है, किसकी पिक्चर है ये, गमला, गमला की पिक्चर है ना, अ गमला, कैसे बोलेंगे हम इसका नेम, गमला, गमला, तो फर्स्ट लेटर क्या हुआ इसका बच्चों, ग, क्या हुआ इसका फर्स्ट लेटर, ग, ये देखिए ये लिखा ग, है ना, फर्स्ट लेटर हमारा ग है, तो ये जो ग लिखा है बच्चों, इसको ध्यान से तीनों लेटर जो दिए हैं उसको देखेंगे हम, तो ग कौन सा होता है ये, इस पर हम इस तरह से सर्कल कर देंगे, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट दिया है हमें, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, है ना, ये पिक्चर देख के आपको क्या लग रहा है, हमने स्वर में पढ़ा था इसको, स्वर में पढ़ा था ना बच्चों, ये होता है ओ, सॉरी ओखली, क्या बोलेंगे इसको, ओखली, ओ से ओखली, ओ से ओखली। अब यहाँ देखेंगे इन व्यंजन में, सॉरी इन अक्षर में देखेंगे कि ओ कौन सा लिखा बच्चों, ये दिस वन, है ना, अ पे आ की मात्रा लगा के उसके ऊपर जो एक मात्रा आती है वो होता है ओ से ओखली, क्या बोलेंगे इसे, ओ से ओखली। अब जब हम ओखली बोलते हैं बच्चों, तो फर्स्ट लेटर होता है ओ, इस पर सर्कल कीजिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट बच्चों पिक्चर देखेंगे, ये क्या है, खरगोश, रैबिट है ना, खरगोश, हिंदी में बोलते हैं खरगोश, अब कैसे बोल रहे हैं हम, खरगोश, खरगोश, है ना, तो पहला अक्षर हुआ ख, क्या हुआ बच्चों, पहला अक्षर ख, ख देखेंगे हम इसमें कौन सा होता है, ख से खरगोश ये, है ना, तो ख पे सर्कल करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये अभ्यास बच्चों आप अपने आप करना, अच्छे से पहचान के समझ के करना, आपको समझ में आया, इसमें जो पिक्चर दी है उनके जो नेम होते हैं उसका जो फर्स्ट लेटर होता है पहला अक्षर, उस पर आपको सर्कल करते जाना, ठीक है। और इसके अलावा आज हमने हिंदी में ये व्यंजन स्टार्ट किए, हिंदी सब्जेक्ट में बच्चों व्यंजन स्टार्ट किए, क से कबूतर से या क से कमल से, है ना, तो यहाँ से स्टार्ट किया, तो आपको भी व्यंजन क ख ग घ अण खाली यहाँ तक करना है, और उसके बाद ये अभ्यास कंप्लीट करना है, ठीक है। और इन्हीं का बच्चों रिवीजन या इनको लिखते कैसे है ना, ये तो अभी हमने ओरल किया है, रीडिंग वर्क किया है ना, ओरल वर्क किया है, मतलब हमने सिर्फ पढ़ा है इसमें, अब इसे हम लिखते कैसे हैं, व्यंजन को हम बनाते कैसे हैं, ये हम आपकी जो राइटिंग की वर्क बुक है ना बच्चों, राइटिंग बुक ये वाली, आपकी जो राइटिंग बुक है बच्चों, सॉरी ये जो राइटिंग बुक है इसमें मैं आपको करके बताऊँगा, है ना, इसमें हम व्यंजन लिखते कैसे हैं वो आपको राइटिंग बुक में करके पीडीएफ में सेंड करूँगी, तो आप ये लिखना उसमें सीखना, ये व्यंजन उसमें लिख के सीखना, है ना, प्रैक्टिस करना उसमें अच्छे से लिखना, और वो आप, और ये वाला करेक्शन वर्क आप ये जो वर्क है बच्चों ये बुक में ही करेंगे, है ना, ये बुक में ही करेंगे, और जो व्यंजन लिखना जो सिखाएंगे वो आप आपकी राइटिंग बुक में ही कम्प्लीट करेंगे, फाइन, थैंक यू।